डियर स्टूडेंट आरसी एजु बांसु की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे एल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर एल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी वो आपने पढ़ ली थी, उसी के अंदर टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे एल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला का आरोहण। टॉपिक रहेगा अपना प्यारे विद्यार्थियों एल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला जो है उसका आरोहण किस प्रकार से करते हैं देखिए। एल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला का आरोहण एजेंट के साथ करवा दूं। टिंडेंट जो रिएजेंट है उसका फॉर्मूला होता है NaCl।
मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, टिल्डे प्रेजेंट को एन डबल बॉन्ड ओ, यहां से ये सी ओ, इसका नाम है टिल्डे अभिकर्मक। अब यहां से साइड साइड में देखो, यहां से बॉन्ड का डिस्कनेक्शन होगा, यहां से ये बाहर निकल जाएगा और यहां से ये बाहर निकल जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये बाहर निकल जाएगा, यहां से CH3CH2Cl जो है यहां से ये बाहर निकल जाएगा और यहां से ये बाहर निकल जाएगा। तो देखिएगा यहां से क्या बन जाएगा, CH2 ये वाला है आपका Cl और आउट हो जाएगा यहां से N2 और ये क्या बाहर निकल जाएगा आपका H2। तो देखो यहां से एथेन जो क्लोराइड बना है, ये एथेन क्लोराइड जो है वो आगे किसके साथ अभिक्रिया करता है, जलीय के OH के साथ। इसकी अभिक्रिया जैसे ही किसके साथ करवाई जाती है, जलीय KOH। अब यहां से जलीय जो KOH कैसे टूट जाता है, K plus OH- तो यहां से कैसे टूट जाएगा, Cl- और यहां पे ये प्लस। देखो यहां पे CH3CH2, यहां पे क्या हो जाएगा OH, CH3CH2OH आउट हो जाएगा यहां से KCl। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका, एथिल एल्कोहल बन जाएगा, एथिल एल। कुल मिला के आपका जो मैथेनॉल है वो मैथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मैथिन एल्कोहल से एथिल एल्कोहल का जो निर्माण मैंने यहां से किया है वो ही कहलाता है एल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला का आरोह। यानी कि एक कार्बन OH समूह जो है वो कितने कार्बन से जुड़ रहा है, यहां से एक से, और OH समूह यहां पे कितने कार्बन जो इससे टच कर रहा है, यहां पे दो कार्बन से। यहां पे देखो चेन, यहां पे एक नंबर की चेन है, यहां पे कितने नंबर की चेन है, दो। तो यहां पे चेन में क्या हुआ, यहां पे आरोहण, यानी कम कार्बन श्रृंखला से अधिक कार्बन श्रृंखला का निर्माण नहीं क्या कहलाता है, आरोहण। या फिर यहां से अपन डायरेक्ट यहां से ये भी कर सकते हैं कि जो आपकी इसी वाले स्टेप को मैं यहां से भी दिखा सकता हूं कि जो ये वाला जो आपको 1 डिग्री एमीन बना था, इस 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया देखो, मैंने यहां से इसको ऐसे लिख सकता हूं CH3CH2 यहां पे NHH, इसकी अभिक्रिया मैंने नाइट्रस एसिड के साथ भी करवाना चाहिए। आप नाइट्रस एसिड का जो फॉर्मूला होता है N डबल बॉन्ड O OH। देखो यहां से जैसे ही नाइट्रस अम्ल के साथ आप अभिक्रिया करवाओगे, गर्म करोगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइड साइड से बाहर निकल जाएगा और ये यहां से बाहर निकल जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3CH2 यहां से OH, ये N2 प्लस H2, तो यानी कि क्या बन जाएगा आपका एथिल एल, एथिल एल। तो ये है डियर स्टूडेंट एल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला का आरोहण। यानी सबसे पहले मैथिल एल्कोहल को इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करवा दो, PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ जैसे अभिक्रिया करवाओगे तो PCl5 का फंक्शन क्या होता है, यहां का P, यहां का O और यहां के तीन Cl, तो POCl3 बाहर निकल जाएगा, यहां का H और यहां के एक Cl, HCl बाहर निकल। अब यहां पे क्या बच गया, CHCl का जुड़ जाएगा CH3 से, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैथिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया मैंने KCl के साथ करवाई, KCl कैसे टूट जाता है, K+ OCl- माइनस। अभिक्रिया यहां से ये कैसे टूट जाएगा, K+ Cl- माइनस, तो यहां पे माइनस, तो ये क्या आएगा प्लस, K+ Cl- माइनस, और बाहर कौन निकल जाएगा KCl, तो CH3+ में कौन जुड़ जाएगा, Cl- माइनस, तो CH3Cl, मैथिल साइनाइड बन जाएगा। अब साइनाइड का यदि आप चयन करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, 1 डिग्री एमीन। कैसे होता है, देखो यहां पे ये वाला बॉन्ड जो है वो यहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब यहां से जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक एच इधर जुड़ जाएगा, एक एच दूसरा बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, 1H यहां पे 1H यहां पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3CH2NH2, 1 डिग्री एमीन। अब 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया यहां से आप टिल्डेन अभिकर्मक के साथ करवाएं या फिर नाइट्रस अम्ल के साथ करो, ये जो मैंने लिखा है इसका नाम क्या होता है, टिल्डेन अभिकर्मक, टिल्डेन अभिकर्मक, और ये क्या है आपका नाइट्रस अम्ल। टिल्डेन अभिकर्मक के साथ करवाएं चाहे नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएं, जैसे मैंने टिल्डेन अभिकर्मक के साथ करवाया, NO शेप को कैसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड शेप, साइड साइड से बाहर निकाल दो, ये आउट हो जाएगा आपका N2, यहां से क्या हो जाएगा H2 बाहर निकल जाएगा और CH3CH2Cl यहां पे जुड़ जाएगा। इसकी अभिक्रिया आप एक्वस QH के साथ करवाएं, जलीय QH, तो K+ OH- यहां से टूट जाएगा Cl- A+, तो यहां से देखो K+ Cl- KCl बाहर निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2OH, यानी कि मैथिल एल्कोहल एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है आपका एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण। फर्स्ट मेथड मैंने बता दिया, सेकंड मेथड की बात करेंगे, सेकंड मेथड में किस प्रकार से इसको कन्वर्ट करते हैं।
सेकंड मेथड के अंदर भी अपन ऐड कॉलम में कार्बन संरचना का आगमन कर सकते हैं। किस प्रकार से करते हैं? सेकंड मेथड के अंदर मैं यूज कर रहा हूं मैथिल ऐड कॉलम CH3OH। अब ये जो आपका CH3OH है, इनकी CH3OH जो है इसका कन्वर्जन किस में कर दिया जाए? CH3CH2OH में कर दे, तो यही क्या कहलाएगा आपका ऐड कॉलम में कार्बन संरचना का आगमन। कैसे करते हैं? वन मेथड आपने यूज कर लिया, सेकंड मेथड की बात करते हैं, यानी कि मैथिल ऐड कॉलम इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई 2P+3Br, यानी ये आपस में क्रिया करते हैं, 2P+3Br को आपस में क्रिया करेंगे तो यौगिक कौन सा बनेगा? PBr3 वाला बनेगा, PBr3। तो मैंने बताया था कि एल्कोहल है, उन एल्कोहलों की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवा दें, PBr3 के साथ करें तो बनेगा क्या भाई? एल्किल हैलाइड बनेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहां से CH3OH जैसे PBr3 के साथ 3 मोल के बीच में अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, तो मैंने बताया था यहां से S3 PO3 बाहर निकल जाएगा, यहां से एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण हो जाएगा। फाइनल फंक्शन यहां से क्या है, ये जो कंपाउंड है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3Br में कन्वर्ट हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल ब्रोमाइड। अब इस मेथिल ब्रोमाइड जो है इसके अभिक्रिया मैंने किसके साथ करवाई? KCN के साथ करवाई। KCN कैसे टूट जाएगा? K+CN-, तो ये यहां से टूटेगा, ये माइनस यहां पे जाएगा प्लस, कुल मिलाकर बात कह सकता हूं KBr बाहर निकल जाएगा, यहां से KBr बाहर निकलेगा। तो यहां से देखो CH3+ है, उसके ऊपर कौन जुड़ जाएगा? CH, तो CH3 यहां पे बन जाएगा C3H। अब इस साइनाइड का मैं क्या करवा दूं? जल अपघटन करवा दूं। साइनाइड का मैं क्या करवा दूं? यहां से जल अपघटन, साइनाइड का जल अपघटन करवा दे, HOH कैसे टूट जाएगा? H+ यहां से OH-, तो यहां से ये टूटा, यहां पे माइनस, यहां पे जाएगा प्लस। तो देखिए यहां से क्या बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड NH, और यहां पे क्या टूट जाएगा? OH। एक बार वापस जल अपघटन करवा दे, HOH H+ OH-, ये कंपाउंड यहां से टूटा, यहां पे माइनस, यहां पे जाएगा प्लस। तो देखिए CH3COH यहां पे OH, यहां पे कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2। एक बार वापस HOH जल अपघटन वापस करवाया, H+ OH-, यहां से बॉन्ड टूटा, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, तो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? CH3 ये C, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे OH, और ये आउट हो जाएगा आपका NH3। अब आपको पता है अस्थाई यौगिक है, अस्थाई यौगिक क्यों है? एक कार्बन पर दो OH या तीन OH समूह उपस्थित रहने में यौगिक क्या होते हैं? अस्थाई। उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, यहां से इसको गर्म कर देंगे, गर्म करने के बाद यहां से मॉलिक्यूल्स, यहां से H2 बाहर निकल जाएगा। देखो यहां से H2 बाहर निकलेगा, तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? CH3C(OH) एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका निर्माण कर लेगा यहां से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर ले। अब इस कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है उसकी अभिक्रिया में यहां से किसके साथ करवा दूं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दूं। तो देखिए यहां से मैंने इसको CH3C(OOH) इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई? एक्सेस में लिया मैंने यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका फॉर्मूला होता है CaOH, यहां पे ये OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं CaOH का होल टू H। तो यहां से क्या होता है, यहां से H2 बाहर निकल जाएगा, और यहां से ये H2 बाहर निकल जाएगा, तो यहां से क्या होगा, जैसे ये अभिक्रिया करेंगे तो आपस में किसका निर्माण कर लेंगे, यहां से H2 तो बाहर निकल जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से डिस्कनेक्ट होकर यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? CH3C(O), यहां पे O, CH3C(O), ये C कैल्शियम एसीटेट का निर्माण कर लेगा, बनने वाला यौगिक क्या बनेगा? कैल्शियम एसीटेट। इस कैल्शियम एसीटेट का क्या करवा दे? शुष्क आसवन करवा दे, यहां से इसका क्या करवाएंगे? शुष्क आसवन, शुष्क आसवन किसकी प्रेजेंस में होगा? HCWO का होल ट्वाइस C, इसकी प्रेजेंस में यदि मैं शुष्क आसवन करवाता हूं, देखिए कैसे होता है इसकी प्रेजेंस में। इस वाले कंपाउंड को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां से खोल के
मैंने लिखा है इसको H C double bond O O यहाँ पे C A O C double bond O यहाँ पे X शुष्क आसवन जैसे ही करवाया जाएगा शुष्क आसवन तो देखिए यहाँ से शुष्क आसवन करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा C A C O 3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ से ये C A C O 3 बाहर निकल फिर क्या होता है कि यहाँ का जो मॉलिक्यूल है रिवर्स जुड़ते हैं ये वाला पोजीशन पे कौन जुड़ जाएगा इस ये वाली पोजीशन पर इस वाले ग्रुप पे कौन जुड़ जाएगा ऊपर वाला तो देखिए यहाँ से CH3 और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा CH ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड H और इसी प्रकार से CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है H तो ये किस में कन्वर्ट होगा वही बन जाएगा दोनों से अब इस वाले यौगिक का मेरे को क्या करवाना है रिडक्शन करवाना है दो मोल है तो मैं रिडक्शन करवाऊंगा किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दूं AlH4 की उपस्थिति में रिडक्शन करवाऊंगा तो यहां से देखो ये बॉन्ड टूटेगा एक H यहां पे एक H यहां पे तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एथिल एल्कोहल तो यहां से डियर स्टूडेंट जी जो आपका जो मेथिल एल्कोहल है वो मेथिल एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया एथिल एल्कोहल यानी कि मेथिनोल से एथिनोल का जो निर्माण होता है वही कहलाता है एल्कोहलों की कार्बन श्रृंखला का आरोहण तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी थैंक्स